ब्राइडल शॉपिंग से पहले ज़रूर फॉलो करें ये पांच चीज़ें। गर्ल्स, आज की जो पांच चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली हैं उन लड़कियों के लिए जिनकी ब्राइडल शॉपिंग स्टार्ट करने वाली है। जो भी लड़की अपनी ब्राइडल शॉपिंग शुरू करने वाली है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपनी ब्राइडल शॉपिंग करते समय। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ आज नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइडल शॉपिंग करने से पहले ये पांच चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ, तो देखते हैं आज की वीडियो। जब भी बात आती है ब्राइडल शॉपिंग की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न इस चीज़ का कि क्या शुरू करें, कैसे शुरू करें। मतलब सामान होता है लेने के लिए बहुत सारा, लेकिन कैसे, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या चीज़ सबसे पहले लें, क्या चीज़ मतलब ट्रेंडिंग में है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हम पे अच्छी लगेगी, क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, क्या बजट में आएगा। हर चीज़, हर पॉइंट होता है हमारे मन में, तो उसके लिए मैं आपको खास टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ गर्ल्स जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आप सामान परचेज़ करने की सोच रहे हैं, अभी आपको शुरू नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ सोचना ही है, अभी आप सोच रहे हैं, तो सोचने से पहले आपको एक नोटपैड लेना है, उस पर एक सेपरेट लिस्ट बनानी है, एक कैटेगरीज बना लीजिए, 4-5 कैटेगरी लिख लीजिए अलग अलग, और कैटेगरीज़ के हिसाब से सेपरेट लिस्ट बनाइए। कैसे? एक आप बना लीजिए फुटवेयर कलेक्शन, एक लिस्ट बनेगी फुटवेयर कलेक्शन की, दूसरी आपके आउटफिट्स की बनेगी, एक होगा आपका ब्राइडल ट्रोसो के लिए और एक होगी आपकी ज्वेलरी के लिए, एक होगी आपकी मेकअप प्रोडक्ट, एक होगी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एक होगी वेडिंग एसेंशियल्स। जितनी भी आपके मन में चीज़ें आ रही हैं ना, बहुत सारी होंगी। अभी तो मैंने आपको 8 लिस्ट काउंट करा दी, 8 लिस्ट। इसके अलावा अगर बात करें ना लिस्ट की, तो 20-25 लिस्ट आराम से बन जाती हैं। अगर आप लिखने बैठेंगे ना तो आपकी 20-25 लिस्ट बनेंगी। आप एक नोटपैड ले लीजिए, उसमें आराम से सेपरेट लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद आप उसके अंदर का सामान लिखिए। यानी कि अगर आपको फुटवेयर लेने हैं तो किस किस टाइप के फुटवेयर लेने हैं, ये सब पहले से सोचिए। अभी आपके सोचने का काम है, अभी आप ख़रीदने नहीं जा रहे हैं, अभी आपको सोचना है कि आपको हील्स वाले लेने हैं, वेजेस लेने हैं, पॉइंटेड हील्स लेने हैं, वेलीज लेनी है। जो भी आप सोच रहे हैं उसको लिख लीजिए कि कितने पैर लेने हैं और क्या क्या लेना है। पॉइंट नंबर 2 गर्ल्स, अब आपका बेसिक काम जो है वो हो चुका है। जैसे कि आपने इंडिविजुअल लिस्ट बना ली है, कैटेगरीज के हिसाब से आपने आराम से खूब सारी लिस्ट बना ली है और सब सामान लिख लिया है कि क्या क्या लेना है। एड ऑन्स आप करते रहेंगे शादी तक, लेकिन काफ़ी बेसिक काम आपने कर लिया है कि बेसिक बेसिक चीज़ें आपको क्या परचेज़ करनी है। दूसरा काम जो आपको करना है वो जो भी सामान आपने लिखा है आपकी लिस्ट में, यानी फुटवेयर कलेक्शन में आपने लिखा है कि आपको एक वेजेस लेनी है, एक पॉइंटेड हील लेनी है, तो दोनों का अपना सेपरेट बजट रखिए कि फुटवेयर में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। देखिए, अगर आप खर्च करने पे चलेंगे ना तो आप फुटवेयर में ही ना जाने कितना खर्च कर देंगे। आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आपका क्या बजट है ये तो सिर्फ आपको ही पता होगा। किसी के लिए 1000 रुपये बहुत होते हैं, किसी के लिए 1,00,000 रुपये कम होते हैं, किसी के लिए करोड़। तो जितना भी आपकी फैमिली का बजट है उतना आप बजट अपने हिसाब से लिख लीजिए और सेपरेट इंडिविजुअल जो भी आइटम है ना उसका बजट सेट कीजिए कि इतने तक का आपको ये वाला सामान लेना है और उस लिस्ट का ओवरऑल कितना हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्किन केयर की आपने एक लिस्ट बना रखी है, स्किन केयर में आपको ये सब लेना है, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, ये सारा सामान आपने लिया कि फेस वॉश आपको 300 से 500 तक का लेना है। ओवरऑल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपके कितने बजट में आ रहे हैं, 3,000 में 5,000 में 10,000 में, वो भी सेपरेट करके टोटल लिखिए। ये आपका दूसरा काम है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कोई ना कोई फेस्टिवल आपकी शादी के ड्यूरेशन में ज़रूर आएगा। शादी के टाइम पे आप जब भी करेंगे ना शॉपिंग ऑनलाइन, तो उस केस में आपको ह्यूज जो ऑफ़र होता है, जो फेस्टिवल की सेल चलती है ऑनलाइन, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो उस सेल का इंतज़ार करें। अगर आप उस सेल पे परचेस करते हैं, जो चीज़ आपको 500 की मिल रही है, हो सकता है वो आपको 400 की या 300 की मिल जाए, तो उससे आपका अच्छा खासा मतलब बजट कंट्रोल में आ सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, तो अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको और अफोर्डेबल भी मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और चेक कीजिए ईच एंड इंडिविजुअल वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि वहाँ से आप शॉपिंग कर सकती हैं। गर्ल्स, हमारे इंडियन कल्चर में ना इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है वार्डरोब के नाम पे। हमारे घर में एक या दो वार्डरोब होती हैं और इतना ज़्यादा हमारे पास
यूनिट्स नहीं होते कि हम अपना एक्स्ट्रा सामान एक्स्ट्रा चीज़ें मैनेज कर सकें। तो बस मेरी राय इतनी है कि ब्राइडल शॉपिंग को शुरू करने से पहले आप ब्राइडल ट्रॉली ले लीजिएगा, यानी ब्राइडल ट्रोसो ले लीजिएगा, और मेकअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मेकअप किट ले लीजिएगा, ताकि आप जो जो सामान आप परचेज करते जाएँ शादी के लिए वो आप अपने मेकअप किट में या फिर आप अपने ट्रॉली में रख सकें। थोड़ा सा मैनेजेबल आपके लिए हो जाएगा, इधर उधर चीज़ें नहीं होंगी, आप टाइम पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगी। इस पॉइंट पे गर्ल्स यहाँ इतना कहूँगी, जब जो भी आपने कैटेगरीज के हिसाब से एक लिस्ट बनाई हुई है वहाँ पे आपने रेट तो डिसाइड कर लिया, बट वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर डाल दीजिएगा कि क्या चीज़ आपको परचेज़ करनी है और क्या चीज़ आपको बाय करनी है, यानी क्या चीज़ रेंट पे लेनी है, क्या चीज़ आपको बाय करनी है यानी परचेज़ करनी है। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, तो ये चीज़ आपको पहले से क्लियर करके रखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको रेंट करनी है। यहाँ पे एक राय देना चाहूँगी, जो भी आपने ब्राइडल के लिए सेरेमनीज़ के लिए आउटफिट्स लिए हैं अपने, यानी हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, संगीत के लिए, अपने वेडिंग डे के लिए, जितने भी आउटफिट्स हैं वो फाइनलाइज करने के बाद जब भी आप ज्वेलरी पे जाएंगे, तो कई बार क्या होता है जब भी हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम एक सी ज्वेलरी परचेस कर लेते हैं, या फिर एक सी पसंद आ रही है तो हम सोचते हैं चलो एक सी ले लेते हैं। बट ये गलती मत कीजिएगा, आपकी खुद की वेडिंग सेरेमनी है तो उसमें आपको इंडिविजुअल जो फंक्शन है उसके लिए अलग अलग टाइप की ही ज्वेलरी लेनी है, ताकि आपका लुक हर फंक्शन में अलग और यूनिक आए। बस यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी शादी होती है तो आपको पता होगा कि आप ऑफिस गोइंग हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ होने वाले। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको बेसिकली डेली वेयर कपड़े चाहिए होंगे और पार्टी वेयर चाहिए होंगे, जो कि आप ब्राइडल ट्रोसो में 5, 7, 21, 11 इस तरह से कॉम्बिनेशन में लेके चलेंगे। वो आप कुछ हैवी ले लीजिए, यानी 5, 7, 11, 21 में कुछ कॉम्बिनेशन हैवी का कर लीजिए, और डेली वेयर के हिसाब से 5, 7, 11, 21 के कॉम्बिनेशन में आप कुछ डेली वेयर कर लीजिए। लेकिन ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि डेली वेयर के कपड़े आप थोड़ा सा लाइट वेट लेंगे, गर्मियाँ चल रही हैं तो थोड़ा सा मतलब हल्के कपड़े लेंगे जो कि कॉटन बेस्ड हो सकते हैं, लाइट वेटेड क्लोथ्स हो सकते हैं, और पार्टी वेयर आपके अच्छे खासे हैवी होंगे जो कि ब्राइडल के होते हैं। इस बीच में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो होने चाहिए, जैसे कि आपको मार्केट जाना है या किसी के गेट टुगेदर में जाना है या कहीं भी आपको बाहर जाना है, नई शादी हुई है तो आप बिल्कुल डेली वेयर कपड़े पहन के नहीं जाएंगे और ना ही हैवी कपड़े पहन के जाएंगे। आपको कपड़े ऐसे चाहिए जो बाहर पहन जाने के हिसाब से हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी 5-6 पीस रख लीजिएगा, ताकि आपको नई नई शादी के बाद पहनने की ज़रूरत पड़े तो आराम से आप पहन सकें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस गोइंग वुमेन होने वाली हैं तो आपको खास ख्याल रखना है, जो भी आपके आउटफिट्स हैं ऑफिस के वो आप रखिए उस केस में, क्योंकि आपको ऑफिस जाना होगा, उसी के हिसाब से ज्वेलरी और सैंडल वगैरह परचेस कीजिएगा। आप ये ना हो कि आपने सैंडल कुछ और परचेस कर लिया और ऑफिस में आपको कुछ और ज़रूरत है, ऑफिस गोइंग के हिसाब से ही आपको अपनी ब्राइडल शॉपिंग करनी है। क्वेश्चन आता है मन में कि ये सारी शॉपिंग जो है ब्राइडल की वो कब शुरू करें, तो गर्ल्स सीधा सा आंसर यहाँ इतना कहना चाहूँगी, इंगेजमेंट जब आपकी हो जाती है उसके बाद ही ये काम शुरू कर दें। इंगेजमेंट से अगर आपकी शादी को 8 महीने या 1 साल भी है तो आप सोच रहे हो तो 1 साल पड़ा है, अगर आप एक एक चीज़ सर्च करने बैठेंगे ना गर्ल्स की ब्राइडल लहंगे के कौन से ट्रेंड्स हैं, ज्वेलरी के कौन से ट्रेंड्स हैं, इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट के बारे में, अब आपको एक छोटा सा स्किन केयर का फेस वॉश भी लेना है ना, तो भी आप सोचेंगे कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहेगा, कौन सा आईलाइनर बेस्ट रहेगा, कौन सी लिपस्टिक बेस्ट रहेगी, ये सारी चीज़ें अगर आप सर्च करेंगे ना तो इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट पे आपको बहुत टाइम लगेगा। आप 10 वीडियो देखेंगे तब एक प्रोडक्ट अपने बजट का निकालेंगे, उसके रिव्यूज़ देखेंगे तब जाके वो फाइनल करेंगे कि ये वाला ही प्रोडक्ट मुझे परचेस करना है, तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो आप इंगेजमेंट होने के तुरंत बाद ही ये सारा सर्चिंग वगैरह शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपनी नॉलेज में अपडेटेड रहें, आपको पूरा नॉलेज हो कि क्या चीज़ बेस्ट रहेगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आने से पहले बस इतना कहूँगी कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आई है blushingbeauty42। यहाँ इतना कहना चाहूँगी, जब भी आप ऑफलाइन शॉपिंग कर दें तो उस केस में आप एक बार में एक लिस्ट यानी एक कैटेगरी को ही फॉलो कीजिएगा। अब ऐसा ना हो कि आप गए हैं ऑफलाइन मार्केटिंग करने के लिए और वहाँ पे आप जा रहे हैं, एक साड़ी खरीद ली, एक क्रीम खरीद ली, एक पाउडर खरीद लिया, एक सैंडल खरीद ली, एक पर्स खरीद, तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन या आप इस तरह से ना कुछ भी शॉप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अगर आपको अच्छे से शॉपिंग करनी है तो एक दिन में एक चीज़ को टारगेट कीजिए, यानी एक बार में आप फुटवेयर की शॉपिंग कर लीजिए, एक बार में आप हैंडबैग्स की शॉपिंग कर लीजिए, एक बार में ज्वेलरी की कर लीजिए, एक बार में आउटफिट्स फाइनलाइज़ कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आउटफिट आप एक ही दिन में सारे फाइनलाइज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा।
आपको आउटफिट फाइनलाइज करने में कई बार जाना होगा, क्योंकि एक आउटफिट नहीं होता, डेली वेयर के लिए अलग लेंगे आप, ऑफिस गोइंग के लिए अलग आउटफिट्स होंगे, तो वो आपको टाइम टेकिंग होगा। लेकिन एक बार में एक कैटेगरी एक लिस्ट को ही फॉलो करें, इससे हौच पौच नहीं होगी, टाइम से आप हर चीज़ मैनेज कर पाएंगी। कैटेगरीज में जो आपने लिस्ट बनाई है वो सारी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। लेकिन एक और लिस्ट आती है जो कि होती है आपकी हनीमून लिस्ट। हनीमून की शॉपिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा खास होती है हम लड़कियों के लिए, तो वो हनीमून की शॉपिंग आप लिस्ट तब बना सकते हैं जब आपके हनीमून के टिकट्स हो जाएंगे। यानी टिकट्स हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी डेट में कहाँ जा रहे हैं, मतलब लोकेशन का आइडिया होगा, वेदर का आइडिया होगा, सीज़न का आइडिया, सब चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा, किस डेट में जाना है, हर चीज़ आपको पता होगी, उसके हिसाब से ही आप अपनी हनीमून की शॉपिंग प्लान कर पाएंगे। तो वो चीज़ भी आप ही को करनी है। मेकअप हुआ या फिर स्किन केयर के प्रोडक्ट हुए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है और आपको खास ख्याल रखना है कि इन चीज़ों को आप शादी के 1 से 2 महीने पहले ही परचेस करें। ऐसा ना हो कि आपकी इंगेजमेंट हुई और सबसे पहले इंगेजमेंट के बाद आपने मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीद लिए। शादी को अभी 1 साल है और आपके इंगेजमेंट के बाद आपने ये जो प्रोडक्ट खरीदे वो रखे के रखे ही रह जाएंगे, क्योंकि ये शादी के बाद आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डेली यूज़ नहीं करते। मान लीजिए आपने आई शेडो पैलेट यूज़ किया, शादी के बाद कितनी बार आप आई शेडो यूज़ करते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, मेरा शादी वाला आई शेडो पैलेट अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरी शादी को लगभग 2 साल होने को है। तो आप समझ लीजिए कितना कम यूज़ होता है जबकि मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ खास ख्याल रखिएगा कि एंड टाइम पे परचेस कीजिएगा ताकि आपको एक्सपायरी डेट आगे की मिले। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो गर्ल्स तो इस वीडियो को दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड अपना राय बताइएगा। जो भी आपके मन में बात है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।